Subscribe to our channel now and press the bell icon and never miss any updates. आज हम बनाएंगे मालपुए। सावन में मालपुए, रबड़ी, मालपुए, खीर का अपना ही एक खाने का मज़ा है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध। दूध आप भैंस का लें चाहे डेयरी का लें, मैंने लिया है डेयरी का 1 किलो दूध। अब इसे मुझे गर्म करना है और गाढ़े होने तक पकाना है। एक छोटी कढ़ाई में हम दूध को गर्म करने रखते हैं। दूध में उबाल आ गया है और अब हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। हमारा गाढ़ा हो चुका है, गैस कर देते हैं हम बंद और अब इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने रख देते हैं। अब दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसको हम एक बाउल में खिला लेते हैं। ये मैंने करीबन 100 ग्राम मैदा लिए, 1-1 चम्मच डालते हुए इसके अंदर मैदा मिलाएंगे। अब ये गाढ़ा घोल बन गया, इसको 3-4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। मैदा अभी मैंने आधी मिलाई है, ज़रूरत होगी तो मिलाएंगे। घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, मैदा अच्छी तरह से इसमें फूल के घुल गई है और ये एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम दो काम करेंगे, एक तो हमें चाशनी बनानी है और दूसरा इस तरह के एक तई लेनी है। तई का मतलब है जिसका पैंदा नीचे से बिल्कुल फ्लैट होता हो और उसकी गहराई कम होती हो, हलवाई इसी को काम में लेते हैं। आप इस तरह का फ्राई पैन जो कि चपटा होता है और कम गहराई का होता है ये भी काम में ले सकते हैं, लेकिन हमें भारी पैंदे का ही बर्तन काम में लेना है। के लिए एक बाउल बड़ा लगभग 200 ग्राम चीनी लेंगे और उसमें 2 बाउल नाप कर पानी डालेंगे। चाशनी में हमें बहुत ज़्यादा कोई 1 या 2 तार नहीं बनाने, लगभग आधे तार की चाशनी हमें तैयार कर। तलने के लिए ये तई में इतना होना चाहिए कि जब हम मालपुआ उसमें घोल डालें तो वो उसमें पूरा डूब जाए। नहीं, हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हाथ से देख लेना है, बस चिपचिपाट आ जाए। अब हम इसके अंदर 2-4 पत्ती केसर की और इलायची के साथ पीसी हुई थोड़ी सी शक्कर है वो इसमें मिक्स करना है ताकि मालपुए में केसर का और इलायची का दोनों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। घी भी तैयार हो चुका है, अब हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। एक बार जब घी गर्म हो जाता है
तो हम गैस को बिल्कुल लो कर देते हैं और अब हम डालेंगे इसमें अपने मालपुए का घोल। घोल को थोड़ा चम्मच ऊपर रखते हुए डालना चाहिए। देखिए अपने आप ही फैल के और तले को छोड़ते हुए और ये घी में तैरने लग जाएगा। हम चेक कर लेते हैं इस तरह से तैरने लग जाता है। दूसरा मालपुआ भी बना सकते हैं। ये देखिए अब इस तरह से ऊपर ब्राउन कलर दिखने लगा है, यानी कि हमारा मालपुआ नीचे से सिक के तैयार हो रहा है। अब ये वाला मालपुआ काफी अच्छा नीचे से सिक गया है, इसको चिमटे की सहायता से हम पलट देते हैं और बाकी के अभी दो मालपुओं में हमारे सिकाई में थोड़ी सी देरी है। अब ये दोनों भी काफी अच्छे सिक गए, अब इनको भी हम धीरे से पलट देते हैं और ये मालपुआ हमारा अभी नीचे से थोड़ा कम सिका है, इसको और सिकने देते हैं। ये मालपुआ हमारा सिक गया है, अब इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। इसको डीप कर देते हैं। अभी हमारा सिक्के तैयार हो गया, इसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं और डीप कर देते हैं। और ये भी हमारा सिक्के तैयार है, इसे भी हम चाशनी में डीप कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है मालपुए बनाने में, एक तो घी का तापमान और दूसरा गैस की फ्लेम। जब हम एक मालपुआ डालते हैं वो जब तक फैल कर ऊपर नहीं आ जाता तली से, तब तक हमें दूसरा मालपुआ नहीं डालना है। इस तरह से एक एक के ऊपर आने के बाद हम दूसरे मालपुए को डालेंगे और बीच बीच में गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम और फिर लो करते रहेंगे ताकि हमारे घी का तापमान समान बना रहे। अब ये दोनों फूल के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको और डाल के बताती हूँ। ये सिक्के हैं ऊपर नीचे से, इसको हम पलट देते हैं, बाकियों को हम सिकने देते हैं। मालपुआ सिक गया है लेकिन मैं इसको थाली में अलग निकाल रही हूँ। आप इस तरह भी अलग से निकाल के इन मालपुओं को स्टोर कर सकते हैं 8-10 दिन के लिए एयरटाइट डब्बे में और फ्रीज में रख सकते हैं। और जब भी आपको खाने हो आप चाशनी गरम करें, 5 मिनट पहले इनको उसमें डुबो दें और फिर गरम गरम सर्व करें। इससे मालपुए आपके बिल्कुल टाइट बने रहेंगे और ढीले होकर वो खराब नहीं लगेंगे। हमारे बनके तैयार हो गए, इन्हें हम सर्व कर सकते हैं और
ये मालपुए मैंने स्टोर करने के लिए बिना चाशनी के अलग से रख लिए। जब भी खाने होंगे चाशनी गरम करेंगे और चाशनी में 5 मिनट के लिए इनको डीप करके और गरम गरम खाने में काम में लेंगे।